वेलकम बच्चों, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार। जी हाँ बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये चैप्टर वन क्लास थ्री की हिंदी बुक है और इस चैप्टर का नाम है सूरदास की वाणी। सूरदास एक बहुत बड़े कवि थे जो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किए थे, उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बतलाता हूँ। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, श्री कृष्ण जी जब नन्हे बालक थे उस समय अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैं दूध पी रहा हूँ फिर भी आज भी यह छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यो हवे है लांबी मोटी। तू तो कहती है जिस तरह बलराम की चोटी बड़ी हो गई है उसी तरह मेरी भी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत, जे है नागिन सी भूई लोटी। तुम मेरे बालों को कंघी करती है, गूथ देती है, मुझे नहा देती है, लेकिन फिर भी यह जैसे कोई नागिन जमीन पे लौटती है उसी तरह ये छोटी सी चोटी मेरे माथे में झूलते रहती है। खाँचो दूध पियावती, पची पची देती ना माखन रोटी। कच्चा दूध मुझे हमेशा पिलाती है और मुझे कभी माखन रोटी भी नहीं देती। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो मन को सुख देने वाली जोड़ी है। तो यहाँ पे चैप्टर वन समाप्त हो जाता है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर थ्री में इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए मैं आप लोगों को इसको बना के दिखाता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बाल कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं? बालक कृष्ण माँ से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किस कवि ने बाल लीला का वर्णन किया है? कवि सूरदास ने। कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है? बलराम। माँ क्या समझाकर कृष्ण को दूध पिलाती थी? माँ कहती है जिस प्रकार बलराम की चोटी लंबी है उसी तरह दूध पीने से तुम्हारी चोटी भी बढ़ेगी। कृष्ण दूध के बदले क्या चाहते हैं? माखन और रोटी। क्वेश्चन नंबर चार का ख नंबर में मिलान करने के लिए कहा गया है और मैंने इसको डायरेक्ट मिला दिया है, आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन में। इसको आप अपने बुक से मिलाकर इसको सही मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर वन पूरी तरह समाप्त हो जाता है और इसके आगे पढ़ाई करने के लिए हम लोग नए अगले वीडियो में चलेंगे।